वाओ, कितना क्रीमी पास्ता बना है हमारा, एकदम चीज़ी विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रितिका गर्ग बंसल आज फिर एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, होममेड वाइट पास्ता। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। सबसे पहले हम पास्ता बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया 2 गिलास पानी। अब मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच ऑयल, 1/2 चम्मच नमक। पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे और अब उसमें ऐड करेंगे 1.5 कप पास्ता। यहाँ मैं मैक्रोनी ले रही हूँ, आप पास्ता भी ले सकते हैं। अब पास्ता को 4-5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। ध्यान रखें पास्ता पूरी तरह नहीं पकना चाहिए, इसको हम 80-90% के लिए बॉईल करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा पास्ता बॉईल हो चुका है कि नहीं। ये देखिए हमारा पास्ता अच्छे से टूट रहा है, तो मतलब बॉईल हो चुका है। अब मैं पास्ता को एक छन्नी में छान लेती हूँ और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ, इससे इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा। अब एक पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच बटर डालेंगे। बटर को मेल्ट होने दीजिए। जब बटर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो अब उसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच आटा। मैं यहाँ आटा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं हेल्दी कुकिंग करूँ, इसलिए मैं अपनी मोस्टली रेसिपीज़ में मैदा यूज़ नहीं करती हूँ। अब आटा को अच्छे से कुक करेंगे 4-5 मिनट के लिए, गैस फ्लेम लो रखें। जब आटा और बटर अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा जो आटा है वो ब्राउनिश कलर का हो जाए, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दूध। दूध थोड़ा थोड़ा डालें। मैं यहाँ फ्रिज का ठंडा दूध यूज़ कर रही हूँ, ध्यान रखें दूध ठंडा ही यूज़ करें। यह प्रोसेस आपको लो फ्लेम पर ही करना है, अदरवाइज़ जो हमारा आटा है वो जल जाएगा और हमारी वाइट सॉस जो है वो ख़राब हो जाएगी। जितने लम्स आए हैं ट्राई करें उन सबको रिमूव करने की, 4-5 मिनट में ये सभी लम्स रिमूव हो जाएंगे। ये देखिए सारे लम्स रिमूव हो चुके हैं और हमारी वाइट सॉस ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ तो मैंने थोड़े से ही ऐड करें, आप चाहे तो ज़्यादा चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, थोड़े से ऑरिगैनो। अब अच्छे से मिक्स कर लें, 1/2 छोटी चम्मच नमक भी ऐड कर दें। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा चीज़, ग्रेटेड चीज़ लिया है मैंने। ये हमारी क्रीमी चीज़ी वाइट सॉस रेडी है। चलिए अब पास्ता बनाने के प्रोसेस की ओर चलते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच बटर डाला है, बटर मेल्ट हो चुका है। अब मैं उसमें डाल रही हूँ 1 छोटा प्याज। प्याज को हम 2-3 मिनट के लिए कुक करेंगे, पूरा ब्राउन होने तक कुक नहीं करना है। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 4-5 क्लव्स ऑफ गार्लिक। गार्लिक से पास्ता में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ बेल पेपर्स। यहाँ मैंने येलो ग्रीन रेड बेल पेपर्स लिए हैं, आप चाहे तो कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं सभी वेजिटेबल्स को 4-5 मिनट के लिए कुक करूँगी। अब मैं यहाँ ऐड करूँगी 1/2 कप बॉइल्ड कॉर्न्स, थोड़े से ऑरिगैनो और थोड़े से चिली फ्लेक्स, आप चाहे तो ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ ऐड करूँगी 1/2 छोटी चम्मच नमक। ध्यान रखें नमक हमने अपनी वाइट सॉस में भी डाला था, इसलिए ज़्यादा नमक ऐड ना कर दें। अब जो हमारी कुक वेजीज हैं उनको हम अपनी वाइट सॉस में ऐड करते हैं और अच्छे से स्टर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे सॉरी। अब मैं सॉस में, वाइट सॉस में अपना पास्ता ऐड कर रही हूँ। अगर आपका पास्ता चिपक गया है तो थोड़ा सा उसको वॉश कर ले, वो दोबारा से खिल जाएगा। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ अपने सबसे फेवरेट ऑलिव्स, आप चाहे तो जलपेनोस भी ऐड कर सकते हैं। हमारा थोड़ी सी चीज़ के साथ क्रीमी चीज़ी पास्ता रेडी है। तो चलिए हम अपने यम्मी पास्ता की प्लेटिंग करते हैं। हमारा हेल्दी सुपर डिलीशियस एंड चीज़ी पास्ता रेडी है। एक बार ये पास्ता की रेसिपी ट्राई करें, घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। पास्ता रेसिपी टेस्टी तो है ही है, साथ में हेल्दी भी है क्योंकि इसमें हमने डाले हैं बहुत सारे वेजिटेबल्स। आप चाहे तो ये पास्ता अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई रेसिपी। थैंक यू।